तो मैं आपको झील क्या रास्ता प्रोवाइड करती है और कैसे आपको वहाँ तक पहुँचाएगी, मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशित नीमा एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 37 इन गेट सीईसी 2022। आई हैव सिलेक्टेड आईएससी बैंगलोर फॉर माय फर्दर स्टडीज। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 7-month स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर गेट सीईसी 2023। सी, यू आर लेफ्ट विद ओनली 7 month फॉर एग्जाम फॉर विच स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन 1 and 2 years। सो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े तो पिछड़े हो, पर मुश्किल है पर ऐसा नहीं असंभव है। थोड़ा चैलेंजिंग होगा पर हो जाएगा 7 month में। If you break down 7 month into days, so you have near around 200 days। देखिए, आपके पास समय की थोड़ी तो कमी है, तो आपको कोचिंग की एक डायरेक्शन तो लगेगी। आप कभी खुद से जाते हो तो आप डेविएट होगा और आपके पास एक कोई डायरेक्टेड पाथ नहीं होगा। तो इफ़ इन केस यू गो विद कोचिंग, तो कोचिंग वाला आपको एक डायरेक्टेड पाथ प्रोवाइड कर देंगे, आपको उस पर चलना है। तो मैं, आप कोई सी भी कोचिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं है गेट पर। चूँकि मैं गेट से हूँ, मतलब मैं झील से हूँ, तो मैं आपको झील क्या रास्ता प्रोवाइड करती है और कैसे आपको वहाँ तक पहुँचाएगी, मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इन दिस 7 month यू हैव टू डू द लिमिटेड स्टडीज। यू कैन नॉट डेविएट मोर फ्रॉम योर सिलेबस, लाइक यू आर गोइंग फॉर वेरियस रेफरेंसेस और ऑल दैट सब। तो झील में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि झील में आप केवल ब्लाइंडली मैम को फॉलो कर देंगे, तो आपका आप सब्जेक्ट्स का आपका मोर देन इनफ कवर हो जाएगा। आपको फिर कोई दूसरी कोई रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक के आप पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। मैम ने एक बार आपको सब्जेक्ट करा दिया, आपने अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने और टेस्ट देना, तो इसमें आपका सारा सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाएगा। और हाँ, एक बात ये कि 7 month है, तो 7 महीने का समय आपका इनफ होता है एक सारे सब्जेक्ट्स कवर करने का। तो मैं एक चीज़ तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट्स ली उन्हें मतलब छोड़ के ना जाए, भले उसका थोड़ा बहुत कुछ देख ले, तो भी आपका वहाँ पे कभी एक सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आता है तो आप उस क्वेश्चन को तो आप अटेंड पक्के से करके आएंगे और आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। अब हम 7 महीने को जैसे डेज में ब्रेक डाउन करते, तो आपको नियर अबाउट 200 से ज़्यादा दिन मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए। और आप झील के सारे 10 कोर सब्जेक्ट्स को आप उसके लेक्चर्स देखते हैं, लेक्चर्स का काउंट, तो वो नियर अबाउट है 150। तो आप ऐसे आप वो 5 महीने आपने वीडियोस कवर कर लिए, तो भी आपका बचते 2 महीने का समय। तो 2 महीने में आपको मैं बोलूँगा कि 1 महीने का जो समय है उसमें आपको आपके पुराने सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लिया। आप खुद सोचिए कि मेरा क्या टॉपिक वीक लग रहा है मुझे, या मुझे किस में ज़्यादा फोकस करना है। तो आप 1 महीने में आपके उन वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और फिर द रिमेनिंग 1 month आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गिव मोर एंड मोर मॉक्स एज मैनी एज पॉसिबल। क्योंकि मैंने तो मेरी स्ट्रेटजी में ही करा था कि लास्ट के 1 महीने में मैंने कुछ भी नहीं करा था, केवल मॉक देता था और प्रीवियस ईयर पेपर देता था। क्योंकि एट द एंड आपको देनी एग्जाम ही गेट वालों की, तो आप उनके क्वेश्चन से फेमिलियर हुई है ना कि वो कैसे क्वेश्चन देंगे। आप रिपीटेडली उन्हीं के पेपर दे जाएंगे, तो आप उनके एक पैटर्न से फेमिलियर हो जाएंगे कि हाँ इस सब्जेक्ट से इस पैटर्न के पेपर आते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस में मुझे इस टॉपिक को और ज़्यादा पढ़ना है, तो इसके अलावा रिमेनिंग टॉपिक है उसमें थोड़ा कम ध्यान भी दूंगा तो मुझे चल जाएगा। तो ये तो बात हो गई कोर सब्जेक्ट्स की, पर इसके अलावा आते हैं मैथ्स और एपटी। एपटी का वेटेज गेट में होता है 15 marks का, तो इस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब यहाँ तो 3-4 marks में रैंक का कितना अंतर आया, तो 15 marks तो अच्छा खासा वक्त रखता है। तो अभी अपने 5 महीने में तो अपने हो गए कोर सब्जेक्ट्स, नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 months। तो इन ड्यूरिंग द 2 months आई हैव डिस्कस, 1st month यू हैव टू गो फॉर रिविजन एंड 2nd month यू हैव टू गो फॉर मॉक टेस्ट। So in with this revision and mock test, you have to parallelly go for APT and mathematics. Mathematics directly कभी आपको gate में ऐसा नहीं आएगा कि आपको probability का question दे दिया या आपको matrices से question आ गया। आपको maths किसी के साथ indulge जो क्या आता है, मतलब कोई दूसरा core का जैसे CN का कोई question आ गया, तो उसमें आपको mathematics apply करके दे देंगे। तो आप कभी ऐसा नहीं मान सकते हो कि maths का 2 question आ गया तो मैं छोड़ दूंगा तो चल जाएगा। maths आपको indirectly बहुत जगह use होगा। मतलब ये मान लीजिए मैथ्स ने अगर आपने मैथ्स को छोड़ दिया पूरा, तो आपके सीधे सीधे 10 question ऐसे में आपको बहुत ट्रबल फेस करना पड़ेगा इन ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। सो मैथ्स पर एपटी को भी आपको उतना ही फोकस करना पड़ेगा कि थोड़ा कम टाइम में उसको आप कर सकते हो, तो पैरेलली इनके साथ चला गया आपका वो भी कवर हो जाएगा। एट द एंड मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आपके पास समय थोड़ा कम बचा है, तो यू हैव टू एक्सेलरेट योर पेस। दिन में एटलीस्ट 7-8 घंटे पढ़ाई करो, थोड़ा आपकी सोशल लाइफ को थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा टाइम आपका मोर टुवर्ड स्टडी डिवोट कीजिए in order to achieve rank under 100. So all the best for your upcoming gate exam.